जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रिटेल मार्केट में खाने के तेल के दामों में 5 से 20 रुपए प्रति किलो की कमी आई है। अडानी, विल्मर और रुचि सोया ने जैसे बड़ी कंपनियों ने दामों में 15 से 20 रुपए प्रति किलो की कमी की है, जिसके चलते खाने के तेल के दामों में कमी आई है। जिन अन्य कंपनियों ने खाद्य तेलों की कीमतों में कमी की है वे हैं जेमिनी एडिबल्स और फैट्स इंडिया, हैदराबाद मोदी नेचुरल्स, दिल्ली गोकुल रिफाइल और सॉल्वेंट, विजय सॉल्वेक्स, गोकुल एग्री रिसोर्सेज और एनके प्रोटीन्स। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने ऐसा दावा किया है। सरकार का कहना है कि देश भर में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतें एक साल के पहले की तुलना में ऊंची हैं, लेकिन अक्टूबर 2021 के बाद से इनमें गिरावट का रुझान है। 167 मूल्य संग्रह केंद्रों के रुझान के अनुसार देश भर के प्रमुख खुदरा बाजार में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में 5 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट आई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को मूंगफली तेल का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 180 रुपये प्रति किलो, सरसों तेल का 184 रुपये 59 पैसे प्रति किलो, सोया तेल का 148 रुपये 85 पैसे प्रति किलो, सूरजमुखी तेल का 162 रुपये 4 पैसे प्रति किलो और पाम तेल का 128 रुपये 5 पैसे प्रति किलो था। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अधिक होने के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों के हस्तक्षेप से खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आई है। खाद्य तेल की कीमतें एक साल पहले की अवधि की तुलना में अधिक हैं, लेकिन अक्टूबर से ये नीचे आ रही हैं। आयात शुल्क में कमी और जमाखोरी पर लगाम लगाने, स्टॉक की सीमा लगाने जैसे अन्य कदमों से भी खाद्य तेलों की घरेलू कीमतों में कमी लाने में मदद मिली है, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत है। खाद्य तेलों के आयात पर भारी निर्भरता के कारण घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है। भारत खाद्य तेलों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, क्योंकि इसका घरेलू उत्पादन इसकी घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थ है। देश में खाद्य तेलों की खपत का लगभग 56 से 60% आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक वैश्विक उत्पादन में कमी और निर्यातक देशों द्वारा निर्यात कर में वृद्धि के कारण खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें दबाव में है। देश में खाद्य तेलों की कीमतें आयातित तेलों की कीमतों के आधार पर तय की जाती है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार, स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।